दादा, आपका बेटा जो है कानपुर की मुठभेड़ में शहीद हुआ था और आज जो मुख्य आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी जो है उज्जैन से हुई है, मध्य प्रदेश से। तो क्या प्रतिक्रिया जो है आप देना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो और आगे क्या उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्या मांग करना चाहते हैं न्यूज 18 के माध्यम से? देखिए, मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे 8 बेटों की मौत हुई है उसी तरीके से उसको भी मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि आगे के लिए इस तरीके के बदमाश या आप कहिए खूंखार व्यक्ति देश के अंदर उत्पन्न ना हो, मेरी यही मांग है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको जो पकड़ा है उनकी बहुत वीरता है, और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों नहीं उनको पकड़ पाई हो, या मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया, जो कि सीमा सील थी। सीमा सील होते ही मतलब होने पर भी वो जो है एमपी पहुंच गया, बड़ी अफसोस की बात है। क्या कहीं ना कहीं जो है यूपी पुलिस पूरी तरीके से फेल हो गई है इसको पकड़ने में? यूपी पुलिस फेल भी हुई है और यूपी पुलिस मिली भी हुई है। बिठूर थाने के जो इंचार्ज साहब पकड़े गए, चौबेपुर थाने के जो इंचार्ज साहब पकड़े गए हैं उनकी मिलीभगत थी, उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है और देशद्रोही साबित होते हैं। क्या कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि क्या मतलब पकड़ना नहीं चाहती थी, सहयोग करना चाहती थी उस अपराधी के साथ, इस वजह से नहीं पकड़ा जा सका? अपराधी के साथ सहयोग करना चाहती थी तभी अभी तक 5-6 दिन हो गए और अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई न कोई व्यक्ति उसको सजेशन देता रहता था और बताता रहता था और उसको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, अब तो वो गिरफ्तार हो चुका है, तो गिरफ्तारी के बाद आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं? उसको मौत दिया जाए, उसको फांसी दी जाए, उसका इनकाउंटर किया जाए, क्या मांग करना चाहते हैं? उसका इनकाउंटर किया जाए, और बहुत बड़ी शर्म की बात है अगर इस तरीके की व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर जिंदा रहेंगे तो आज हमारे 8 बेटों का जो ये मृत्यु हुई है इसी तरीके से और भी हम बेटे मारे जाएंगे।